अयोध्या की सीट हार गए, राम मंदिर बनाया, उसमें इनॉग्रेशन में एक गरीब व्यक्ति आपने नहीं देखा होगा, एक किसान नहीं था, एक मजदूर नहीं था, एक पिछड़ा नहीं था, एक दलित नहीं। आदिवासी राष्ट्रपति से कहते हैं तुम यहां नहीं आ सकती, और आपने वहां पे देखा अदानी जी खड़े थे, अंबानी जी खड़े थे, देश के अरबपति खड़े थे, पूरा बॉलीवुड खड़ा था, क्रिकेट की टीमें खड़ी थी, मगर एक गरीब व्यक्ति नहीं खड़ा। तो जवाब अयोध्या की जनता ने भी दिया है, और सिर्फ अयोध्या में नहीं भाइयों और बहनों, सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती, तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। मैं ये बात अहंकार से नहीं कह रहा हूं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की जनता ने मैसेज दिया है, ये आपकी जो राजनीति है हमें अच्छी नहीं लगी, हम इसके खिलाफ हैं, हम नफरत के खिलाफ हैं, हम हिंसा के खिलाफ हैं, हम मोहब्बत का देश चाहते हैं, हम प्रगति चाहते हैं, हम बेरोजगारी के खिलाफ हैं। आपने 10 साल इस देश में बेरोजगारी फैलाई, नफरत फैलाई, हिंसा फैलाई, और हिंदुस्तान की जनता ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को जवाब दिया है। और शुरुआत आपके दिल में हुई थी, तो बदलाव आप लाए हैं, तो दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आने वाले समय में मैं चाहता हूं कि जो सच्चे मुद्दे हैं देश के सामने, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, मजदूरों का मुद्दा, ये मुद्दे उठाए जाएं और गरीबों की मदद करने की पॉलिटिक्स हो, राजनीति हो। अग्निवीर, अब भैया मैं आपको बता रहा हूं, अब हमारे पास पार्लियामेंट हाउस में सेना बैठी हुई है, सेना बैठी हुई है। इस बार हमारी पूरी कोशिश होगी, ऑपोजिशन में बैठे हैं मगर अग्निवीर को ऑपोजिशन में रद्द करने की कोशिश करेंगे। तो आपने हमें इतनी शक्ति दी, और ये आपने राजनीतिक डिसीजन नहीं लिया है, ये आपने जो वोट दिया है और रायबरेली के हर एक व्यक्ति ने जो दिया है, ये राजनीतिक डिसीजन नहीं था, ये मोहब्बत का डिसीजन था, और इस बात को मैं जिंदगी भर नहीं भूलने वाला हूं। अमेठी की जनता से भी कहना चाहता हूं, मैं रायबरेली का सांसद हूं मगर जो मैंने आपसे कहा था, जो भी रायबरेली में होगा वो अमेठी में भी होगा। तो आप सबको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, आपने हिंदुस्तान की राजनीति बदल दी, आपने प्रधानमंत्री को ऐसे करवा दिया, और आपने पूरे देश को मैसेज दिया कि हम नफरत के खिलाफ हैं, मोहब्बत की दुकान खोलेंगे और देश की राजनीति बदलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश। शहर अध्यक्ष से आग्रह है कि धन्यवाद दें, शहर अध्यक्ष धीरे धीरे तो आभार व्यक्त करें। संदेश है इंदिरा सा वेग सुमें, गांधी सा तेज है, शक्ति का सिपाही करुणा का वेग है।
जिंदा जमीर है और किसानों से और अंत में जो मेरी बहन ने यहां मेहनत की, दो दो घंटे सोकर जो मेरी बहन ने रायबरेली में चुनाव में काम किया, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं प्रियंका का और आप सबका। एक और आइडिया है मेरे पास, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा।